दादाजान आप एक बार तो उस लड़की से मिल लें। उससे मिले बगैर आप सुरैया की जिंदगी का फैसला कैसे कर सकते हैं? हो सकता है कि वो लड़का हामिद से ज्यादा बेहतर हो। पहले आपने अपनी बेटी के साथ ये सब कुछ किया और अब वही सब कुछ आप अंकल बशारत की बेटी के साथ करने जा रहे हैं। सारी जिंदगी आपने उनको इस गिल्ट में रखा कि उन्होंने 4 साल की मंगनी तोड़कर अपनी पसंद की शादी क्यों करनी। आपने खुर्शीद के साथ भी बहुत जुल्म किया। मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी कि सुरैया ये सब कुछ कर सकती है। ये सब तुम्हारा ही किया था ना रजिया। दे आप भी मुझे को इल्जाम दे। अब्बा जी ने भी मेरी तरबियत पर उंगली उठाई और आप भी मुझे को इल्जाम दे। तुम ही को लगी हुई थी ना खानदान में रिश्तेदारों में शादी करो, और वो फिरदौस ने क्यों नहीं रिश्ता मांगा हामिद का सुरैया के लिए? अब भुगतो। तो क्या मतलब है? आप क्या चाहते हैं कि सुरैया की हामिद से शादी ना हो? मैं क्या चाहता हूं क्या नहीं चाहता, कभी किसी ने पूछा है मुझसे? एक तो मुझे आपकी समझ नहीं आती, आखिर कहना क्या चाहते हैं आप? कुछ कहना नहीं चाह रहा, पानी लेकर आओ मेरे लिए। सुनो, सुरैया से नरमी से बात करना, सख्ती नहीं करना उस पर। शरद, सुरैया बिगड़ी हुई है, बदतमीजी की है उसने मेरे साथ। वो हमारी बेटी है रजिया, प्यार से समझाना उसको, मोहब्बत से। क्या कर रही हो? इस्लाम में औरतों के राइट्स पर आर्टिकल पढ़ रहे हैं। इस्लाम में शौहरों की क्या राइट्स हैं? उन पर भी आर्टिकल पढ़ लो। लेकिन तुम तो मेरे दोस्त हैं। लेकिन शोहर भी हूं। मुझे लगता है कि एक अच्छा शोहर अपनी बीवी का सबसे अच्छा दोस्त होता है, और एक अच्छी बीवी अपने शोहर की सबसे अच्छी दोस्त होती है। कुछ कहोगी नहीं तुम? You know what, David? यहाँ आने से पहले मैंने बहुत रिसर्च की थी। यहाँ के मर्द और मुसलमानों के बारे में बहुत नेगेटिव अप्रोच है वहाँ के लोगों की। अकॉर्डिंग टू देम यहाँ के मर्द बहुत जाहिल, जालिम, औरतों पर जुल्म करने वाले हैं। लेकिन तुम ऐसे नहीं हो।